नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विजय। बहुत सारे लोग पीएम किसान योजना के 13वीं किस्त के इंतजार में हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 13वीं किस्त कब आएगी और कैसे आएगी और किनके खाते में आएगी, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्यारा सा बेल बटन दबा दे ताकि हमारा अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, जब पिछली बार जो पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जब आई थी तो वहां पे लाखों किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिला था। जी हाँ दोस्तों, लाखों किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं गया था। कारण ये था कि उन लोगों ने केवाईसी नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, केवाईसी नहीं किया था जिसके कारण उनके अकाउंट में पैसा नहीं गया है। लेकिन अब जो लेट हो रहा है, हर दिसंबर में आ जाती है जो तीसरी किस्त होती है, लेकिन अभी जो है वो फरवरी लगभग आधा बीत गया है और लास्ट होने को है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। तो ये आखिर कब तक पैसा आएगा? तो हम आपको बता दें कि सरकार के तरफ से ये पैसा दे दिया गया है और डीबीडी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में किसी भी समय पैसा आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट में किसी भी समय पैसा आ सकता है। अगर आप पिछली बार आपको पैसा नहीं मिला है तो जाइए आप और अपना ईकेवाईसी पूरा कर लीजिए। अगर आपको खुद से करना है तो नीचे लिंक हम दे देंगे, वहां पे आप जा करके उस वीडियो को देख करके आप खुद से ईकेवाईसी भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।